भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जन्म दिवस पर फूलों से सजी रही महामना की बगिया। वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के 158वीं जयंती पर पूरे बीएचयू परिसर में उत्सव सा माहौल रहा। इस विशेष पल पर अपने संस्थापक के जन्मोत्सव पर हजारों किस्म के फूलों से पूरे बीएचयू परिसर को सजाया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जयंती पर बीएचयू स्थित मालवीय भवन में फ्लावर एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति राकेश भटनागर ने किया। बताते चलें कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जन्म उत्सव को हर वर्ष इसी तरह से धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा नाम तनिष्का है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे आप इतना अच्छा लग रहा है, इतने सारे फ्लावर्स हैं और उनके जो स्मेल है, वाव, यहाँ तक स्मेल इसका मतलब स्मेल हो रहा है। और फ्लावर्स के जितने भी वो हैं, नहीं सब वो रेनबो बन चुका है, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे आकर। मैंने फर्स्ट पहले भी आया था लेकिन आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मदन मोहन मालवीय की जयंती भी है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। जी हाँ, मालवीय जी की जयंती 25 दिसंबर को हर साल मनाई जाती है और इसका मनाने का तरीका भी बहुत अच्छा है कि जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, सब लोग आकर के यहाँ पर अपने फूल लगाते हैं, फल लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं और सबका एक कॉम्पिटिशन होता है, एक प्रतिस्पर्धा होती है कि भाई कौन सबसे अच्छा कर पाता है। इसके लिए सब लोग पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहे होते हैं और उसका आज नतीजा निकलता है। सो बहुत सारे लोगों को इसमें इनाम मिलते हैं और देख करके इतना सुंदर प्रतीत होता है, पूरे बनारस में सारे लोग इसको देखने के लिए आते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा तरीका है मालवीय जी को नमन करने का, नमस्कार करने का, उनको उनकी जयंती मनाने का। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।